नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, सितंबर माह के आखिर में और अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में आपको अपनी गन्ना पौधे की फसल में कुछ खाद ऐसे लगाने हैं जिसका सीधा सीधा फायदा आपकी गन्ना पेड़ी फसल में होगा। यदि आप उस काम को अभी कर लेते हैं तो बाद में आपकी जो गन्ना पेड़ी की फसल होगी उसमें बम्पर पैदावार होगी। उसकी शुरुआत यदि मैं ये कहूँ कि उसकी शुरुआत आप अभी से कर दोगे तो वो कोई बात गलत नहीं होगी। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया के इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा लेके चलूं तो जैसे जैसे अब सर्दी आती चली जाएगी तो जो गन्ने की बढ़वार है वो रुकती चली जाएगी। अभी टाइम है क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी है तो इस वजह से ये इसकी बढ़वार होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो इसी समय जो ये बढ़वार हो रही है उसी का हमको फ़ायदा उठाना है। इसमें हमको ज़्यादा झंझट में नहीं बढ़ना, केवल हमें 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देना है और इसमें 3 केजी सल्फर WDG 80% हो या 90% हो दोनों को मिक्स करके गन्ने की जड़ों में दे देना है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो ये हम अब फिलहाल खाद दे रहे हैं गन्ना पौधे की जो बढ़वार है, खाद जो लगाया जाएगा इतनी बढ़वार नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत उस पर हरापन आएगा ज़रूर, लेकिन उस हिसाब से बढ़वार नहीं होगी जिस हिसाब से आप सोच रहे होंगे। फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा कि जब गन्ना पौधा ऊपर की जोर लगाता है जो उसकी आंखें होती हैं जो ज़मीन के नीचे हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ, नीचे से वो फुटाव करना चालू कर देती हैं, नीचे से फुटाव होना शुरू हो जाता है। तो जब गन्ना पेड़ी की है, कुछ किसान भाई उसमें पोगले छोड़ते हैं या फुटाव जब ज़्यादा हो जाता है तो जब कटिंग करते हैं तो उसमें उनको उसका लाभ मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो मैंने सल्फर बताया 3 केजी पर एकड़ के हिसाब से डालना है और 50 केजी यूरिया भी आपको प्रति एकड़ का ही बताया था मैंने। सल्फर एक गर्म होता है, इसमें हीट होती है, थोड़ा गर्म मान सकते हो, दो तरह के से काम करता है। एक तो ये उर्वरक का काम भी करेगा, साथ ही साथ ये फंगीसाइड को भी कुछ हद तक इसको मान सकते हैं, ये फंगस को मिटाने का काम भी करता है। इस टाइम आपने देखा होगा कुछ बारिश हुई है तो उस बरसात में कुछ जड़ों में फंगस लग गई है तो उसे भी ये दूर करेगा, साथ ही साथ ये जड़ों को हीट भी देगा। उधर से आपने यूरिया इसमें लगा दिया है तो गर्माहट होने के कारण से फुटाव उसमें चालू हो जाएगा और जो गन्ने का जो टाइम बचा है, थोड़ा ही टाइम बचा है इसकी बढ़वार के लिए, उसमें भी थोड़ा बहुत बढ़वार उसकी हो जाएगी। तो ये दोनों खाद ज़्यादा महंगे आपको नहीं पड़ेंगे और इसका लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आपको फ़िलहाल ये काम इस टाइम जो मैंने बताया है अभी करना है, बाद में यदि आप करोगे तो फिर ठंड होना शुरू हो जाएगी, बढ़वार फिर वैसे ही नहीं होगी, तो फिर आप कितने भी खाद लगाए कोई फ़ायदा नहीं है, उसका केवल नुकसान ही नुकसान है। किसान भाइयों, आपको मैं एक दूसरी चीज़ भी ले चलूँ। कुछ किसान भाई यहाँ पर DAP का भी प्रयोग करते हैं, SSP का भी प्रयोग करते हैं, तो अब मैं बताऊं कि उनका फ़ायदा क्यों नहीं है। यदि आप DAP का प्रयोग करते हैं तो 18% उसमें नाइट्रोजन होती है और 46% उसमें फास्फोरस होता है। काफ़ी किसानों का ये मानना है कि यदि DAP लगाएंगे तो रोग नहीं लगेगा, यूरिया लगाएंगे तो रोग लगेगा। कारण उसका यही है कि इसमें फास्फोरस आपके पौधे में लगनी ही नहीं है, केवल 18% उसमें नाइट्रोजन लगेगी। अब थोड़ी मात्रा में उसमें नाइट्रोजन लगेगी तो जब उसमें कुछ लगा ही नहीं तो फिर उसमें कीड़ा कहाँ से लगेगा, क्योंकि उसमें जब केवल 18% ही नाइट्रोजन लग रही है तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, कीड़ा भी नहीं लगेगा। तो इसका रीज़न ये है सीधा साधा। तो मैं कहूँगा कि फिलहाल DAP का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जो 18% नाइट्रोजन है केवल पौधे को वो मिलेगी, उसी से आप खुश हो जाओगे कि हाँ DAP ने काम भी किया है और रोग भी नहीं लगा। अब रोग तो इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि फास्फोरस तो काम करेगी ही नहीं। दूसरा है कि SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट भी लगा देते हैं, इसका भी वही फंडा है। अब इसमें जो फास्फोरस है वो 16% है, वो बिल्कुल नहीं लगेगी, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये तो दो चीज़ इसमें काम करेगी ही नहीं। अब इसमें 3 चीज़ें और भी होती हैं जैसे कि कैल्शियम है, सल्फर है, बोरोन है, ये लगेंगी इसमें। तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का काम करना चाहते हैं तो आपके पौधे को कैल्शियम मिल सकती है, सल्फर मिल जाएगा, थोड़ा बहुत बोरोन भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये फ़ायदा इसलिए करेंगे। तो आप समझ रहे हो कि हम DAP लगा देंगे और हमारे गन्ना पौधे में रोग नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके गन्ना पौधे को फास्फोरस नहीं मिला, केवल 18% नाइट्रोजन मिली। अब थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिली तो गन्ना पौधे में रोग भी नहीं लगेगा, ये इसका फंडा होता है। तो मैं कहूँगा कि DAP आप बिल्कुल न लगाएं जब तक जुताई न हो।
आप जैसे कि ट्रेन से बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई फिर उसको यूरिया को लगा करके मशीन के द्वारा उसकी जुताई कर देते हैं, तो वो काम वहाँ पर हो जाएगा, उसमें आप डीएपी लगा सकते हो और आपके पौधे को मिलेगी भी, क्योंकि वो मिट्टी में मिक्स हो गई है। इसका जड़ों तक जाना बेहद ज़रूरी है, तभी ये डीएपी आपकी फसल को मिलती है। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है डिटेल में, आप अपने हिसाब से उसी हिसाब से काम करें तो आपकी गन्ना पौधे को फसल होगी। खासकर मैंने आज की वीडियो गन्ना पौधे के लिए ही बनाई है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।